वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और आज बताएंगे CP30 वर्जन 3.1 में बैचिंग प्लांट में मिक्सर में आर्म कैसे चेंज करें। ये 5 नंबर आर्म है और इस आर्म में नीचे जो स्टीपर सपोर्ट रहता है वो टूट गया है, तो आर्म को चेंज करेंगे। सबसे पहले ये चारों नट खोल लेंगे जो 18-19 के हैं, फिर ऊपर वाले स्प्रिंग वाला ये नट खोल लेंगे 24-27 का, ये खोल के और पेडस्टल निकाल लेंगे, फिर स्प्रिंग निकाल लेंगे। स्प्रिंग निकालना को अब ये स्प्रिंग निकाल लेंगे, अब ये पेडस्टल निकालेंगे 18-19 के, जो पेडस्टल में नट बोल्ट रहते हैं वो एक एक करके चारों निकाल लेना है। एक ही खोल लो, पूरा खोल के बाहर निकाल। ये बड़े बोल्ट रहते हैं पेडस्टल के, पेडस्टल को बाहर निकाल लेंगे, पकड़ो। और ये स्प्रिंग को उठा लो, नीचे वाला उठा लो, लॉक उठाओ, बाहर निकालो इसको। को निकालने के लिए आर्म को पहले ऊपर उठा लेंगे, ऊपर उठाओ ऐसे ऐसे। अब इस पे हथौड़ा मारो, ये निकलेगा। हाँ, अब आर्म को ऊपर उठाएंगे, और उठाओ और उठाओ और अब बस, अब यहाँ पे हथौड़ा मारो, बाहर निकलेगा। हाँ मार, मारो और और थोड़ा ऊपर उठाओ इसको ऐसे, और उठाओ और उठाओ। बड़ा वाला मामला है, अब मारो, हाँ मारो, यहीं पे हथौड़ा मार मार के इसको बाहर निकाल लेना है। अरे भाई, मारो धीरे धीरे ऐसे, निकल गया है, थोड़ा बचा हुआ है। जब भी निकालेंगे धीरे धीरे निकलेगा, हथौड़ा धीरे धीरे मारेंगे निकल जाएगा धीरे धीरे। अब बुश पकड़ रखा है उधर, उसकी वजह से थोड़ा टाइट जा रहा है। हथौड़ा मारो, लास्ट बचा हुआ है, निकालोगे जो निकालो। ये 5 नंबर आर्म निकल गया है, ये स्टीपर आर्म है, बाहर निकाल लो इसको। अब पूरा क्लीन करा लेंगे, उसके बाद नया आर्म इंस्टॉल करेंगे। चलो, ये नया आर्म है, इसको अंदर डाल देंगे, धक्का मारो, डालो, जाने दो और अब इसको घुमा के उधर ले लो। अरे इसमें बेरिंग डालना पड़ेगा, बाद में डाल लेंगे, डाल घुमा दो ऐसे। ये दोनों बुश बैठा लिए हैं बढ़िया से, अच्छी तरीके से बैठ गए, और लॉक को, ये लॉक है, लॉक को बैठा लेना है और उसके बाद पेडस्टल लगाना है। अब उसको नीचे डाउन कर दो, आर्म को डाउन करो, धीरे धीरे डाउन करो और डाउन करो, पूरा नीचे ले जाओ, नीचे और ले जाओ, नीचे जाने तो कहते हैं बिल्कुल। हाँ, अब पेडस्टल लगाओ, जब भी आर्म लगाएं तो पेडस्टल के ये चारों नट टाइट कर लें, और ये टाइट हो चुके हैं, लॉक अंदर पूरा टाइट हो चुका है। अब जब भी लगाएं तो इस तरीके से उठा के देखें, अब डाउन कर दो पूरा, ये लग चुका। अब स्प्रिंग लगा के इसको कसना है, अब ये स्प्रिंग
बताई जा रहे।